वो जमाना था जब मुर्गे की बांग से दिन की शुरुआत होती थी। एक ये जमाना है जब मोबाइल के नोटिफिकेशन से हमारा दिन शुरू होता है। अगर आपका दिन भी मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पर ही खत्म होता है तो जान लीजिए आप नोमोफोबिया के शिकार हो चुके हैं। आमतौर पर इस फोबिया से पीड़ित लोगों में स्मार्टफोन या तकनीकी कनेक्शन डिवाइसेस के ना होने का विचार मात्र ही अस्वस्थता, बेचैनी और आक्रामकता उत्पन्न कर सकता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को नोमोफोब कहा जाता है और विश्व में करीब एक तिहाई युवा इस बीमारी के शिकार है। अंगूठा बार बार चलाना, आपका आंखें खराब होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी में आता है डिप्रेशन, एनजाइटी, हेलुसिनेशन की, जैसे आप कल देखते हैं कि पबजी वगैरह बच्चे खेलते हैं और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसी लाइफ में जीने लगते हैं, तो सारे चीज़ें साइड इफेक्ट क्रिएट करती हैं। बड़े ही नहीं, आजकल बच्चे भी मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं। जहाँ एक तरफ गेम खेलने से लेकर स्कूल प्रोजेक्ट बनाने तक इनका सारा काम मोबाइल फोन में होता है, वहीं दूसरी तरफ कई बार अभिभावक भी बच्चों को बिजी रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। ये तरीका आसान तो है, मगर ऐसे में बच्चों में मनोवैज्ञानिक बीमारियां भी हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक तो इंटरनेट की आदत को ड्रग्स की तरह मानते हैं, और दुख की बात ये है कि कोरोना काल में बच्चे और उनके अभिभावकों को मोबाइल की बुरी आदत लग चुकी है। वैसे तो मोबाइल ये हमारे फ़ायदे के लिए बना है, इसके कई यूज़ करते हैं हम, लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल के यंगस्टर्स या आज के जो पीढ़ी है वो इसकी इतनी आदी हो चुकी है कि चाहे वो खाना खाना हो या कोई भी काम करना हो, उनका सिर्फ ध्यान फ़ोन में रहता है। एक हाथ से अगर खाना भी खा रहे हैं तो दूसरे हाथ से वो फ़ोन चला रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन या नोमोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए पेंटिंग, गार्डनिंग, खेलकूद, बाहर घूमने जैसी व्यवहारिक और ठोस गतिविधियों में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस दौर में मोबाइल फोन पर हमारी निर्भरता जरूर बढ़ गई है, मगर इस खबर को देखने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये फोन आपके और आपके परिवार को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो आपके लिए सावधान होने का समय आ गया है। कैमरामैन वरुण के साथ श्रेया शुक्ला, लेक सिटी लाइव, भोपाल।